बी रेडी। 5 सेकेंड्स, स्टार्ट। सर, वी आर डीपली कमिटेड टू चेंजिंग द कंडीशन ऑफ लिविंग ऑफ मिलियंस ऑफ आवर पीपल, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ हुम लिव इन ग्रेट पॉवर्टी। व्हेन वी टॉक ऑफ द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, विच आर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड द लेसनिंग ऑफ डिस्पैरिटीज, आवर स्लोगन्स हैव बीन मेड द मैटर ऑफ जोक्स एंड ऑफ रिडिक्यूल। एनी सब्जेक्ट, एनी क्वेश्चन, एनी डिबेट हैज़ इवोक्ड द टॉन्ट एज टू वॉट अबाउट गरीबी हटाओ। श्योरली पॉवर्टी इज टू एगोनाइजिंग ए स्टेट टू बी जोक्ड अबाउट एक्सेप्ट बाय दोज हु हैव नो आइडिया वॉट इट इज एंड हैव नो रियल सिंपैथी विद दोज हु लिव इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इफ यू वॉन्ट टू लुक एट द क्वेश्चन सीरियसली एंड सिंसियरली, वी नो दैट द पॉवर्टी ऑफ एजिस कैनॉट बी वाइप्ड आउट इन ए फ्यू वीक्स, ए फ्यू मंथ्स और इवन ए फ्यू ईयर्स। एनीबडी हु प्रिटेंड्स दैट ही कैन डू सो इज ऑब्वियसली ट्राइंग टू मिसलीड द पब्लिक। वी हैव नेवर सेड दैट वी कैन अचीव दिस बाय ए मिरेकल। वी हैव नेवर सेड दैट इट कैन बी डन बाय मैजिक। वी हैव ऑलवेज सेड दैट सर्टेन स्टेप्स हैव टू बी टेकन, डेलिब्रेट डिटरमाइंड स्टेप्स, एंड बाय दोज स्टेप्स वी कैन रिमूव, वी विल रिमूव द पॉवर्टी ऑफ दिस कंट्री। बट दिस ऑल्सो रिक्वायर्स ए चेंज इन सोशल आउटलुक। देयर इज टॉक ऑफ कंपनसेशन। इवन टूडे वी हैव हर्ड सम ऑफ इट। एवरीवन नोज दैट दिस इज ए सब्जेक्ट अबाउट विच आई फील वेरी स्ट्रांगली एंड आई वुड लाइक टू पुट माई व्यूज बिफोर द हाउस एज आई हैव पुट देम ऑन प्रीवियस ओकेजन्स। व्हेन वी टॉक ऑफ कंपनसेशन, इट इज कंपनसेशन फॉर लैंड, कंपनसेशन फॉर ए पैलेस और ए बिग हाउस। आई शुड लाइक टू आस्क ऑनरेबल मेंबर्स वॉट अबाउट कंपनसेशन फॉर इनजस्टिस, वॉट अबाउट कंपनसेशन फॉर फोर्स्ड लेबर, फॉर द एविक्शन ऑफ लैंडलेस पीपल, फॉर लैंड अनफेयरली ग्रैब्ड। वॉट हैपन्स वेन ए मिल इज क्लोज्ड, इट्स मशीनरी रन डाउन, इट्स रिजर्व्स ईटन अवे, इवन प्रोविडेंट फंड्स डाइवर्टेड टू प्राइवेट पर्पसेस। ए स्मॉल मैन्स बिजनेस इज क्लोज्ड एंड ए पार्टनर ड्रिवन टू द स्ट्रीट एंड अदर सच थिंग्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। आई रिमेंबर देयर इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इन बिहार। दे वर अमंग द फर्स्ट हु केम फॉरवर्ड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। देयर लैंड्स वर टेकन अवे बाय द ब्रिटिशर्स एंड अप टिल नाउ वी हैव नॉट गिवन देम दैट लैंड। वी बिलीव दैट द नेसेसरी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन चेंजिंग पॉवर्टी मस्ट बी कैरिड आउट विद इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। द वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैव एज यूजुअल रेज्ड ए ह्यू एंड क्राई आइदर थ्रू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग
or deliberate mischief. As I said earlier, they have misinterpreted many of the words which we use. I talked earlier of commitment. What I mean is that we are committed to the upholding of the freedom of speech, of assembly, of worship, of every citizen of this vast and varied land. Our commitment to secular democracy is non-negotiable. There is nothing negative in our approach. I am not against a class or a section of society. I am for the Indian people. I know that they cannot be strong while poverty is deep and widespread. I know that they cannot be united while there are disparities and while all sections, including the minorities, do not have a full sense of security and a full sense of participation in the development of the country. Democracy is not worth much if it does not involve all the people. I can assure this House and the country that our commitment to upholding in every possible way the fundamental rights of our citizens remain absolute. Even when we speak of imposing certain restrictions on property rights, our intention is not to abolish property. Only where property rights are in conflict with public purpose, the public purpose must hold sway. Our people understand this. In the last elections, every possible attempt was made to scare the people and to mislead them into believing that all property would straight away be taken away. Those who indulged in such a propaganda miscalculated and underestimated the wisdom of our people, a wisdom based not on formal education but on personal experience. Some of us have joked and some have shown temper and some have sincerely pleaded their cause, but I would urge all honorable members to approach the issues involved in our amendment with calm and sober reflection. These amendments have significantly social and political import, which we must try to understand in all seriousness. The measures which we have taken and are taking are milestones in the progress of millions of our people. They have come to be regarded by the people as marking a new stage in their struggle to build a social, more humane and just society. As their elected representatives, it is our duty to reflect their urges, and I am sure this will bring us more near to the people. It is in that spirit that I commend to you the acceptance of this bill.